ये न्यूज़ चैनल जो कि लाइक ये न्यूज़ चैनल जो मंथली $600 कमाते हैं, ये कुछ इनके वायरल वीडियोस हैं और ये 6 मंथ्स पहले ये स्टार्ट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स बना सकते हैं, वो भी सिर्फ AI की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट वीडियो स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पर हम आ जाते हैं गूगल पर, और यहाँ पर न्यूज़ पर सर्च कर देते हैं, न्यूज़ की सर्च कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो लेटेस्ट न्यूज़ होगी उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ये देखिए बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर इस न्यूज़ पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी सारा आर्टिकल है उसे हमें कॉपी कर लेना है। ये देखिए हम इसे कॉपी कर लेंगे। जैसे इसे कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जैसे हम इस सारे को कॉपी कर लेंगे, फिर हम नोटपैड में जाकर इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ChatGPT पर। यहाँ पर हम ChatGPT पर सर्च करके यहाँ पर आ जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है, लिखना है write this in a more detailed and attractive way। तो उसके बाद हमने यहाँ पर वो पेस्ट कर देनी है वो सारी स्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पर सेंड कर देना है इसे। जैसे हम सेंड करेंगे वो ChatGPT से रीराइट कर देंगे इन अट्रैक्टिव और बहुत ही डिटेल्ड वे में, इसे और डिटेल और अट्रैक्टिव वे में इसे जनरेट कर देंगे ChatGPT। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, स्टेप नंबर 2, जनरेट AI वॉइस ओवर। तो AI वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं play.ht पर। play.ht पर जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वो आएंगे। हम जनरेट AI वॉइस ओवर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद साइन अप विद गूगल करके हम इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। उसके बाद हम जैसे इस इंटरफेस पर आ जाएंगे, हम इसे कट कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल करके कट कर देते हैं। उसके बाद न्यू स्क्रिप्ट पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उस वॉइस पर, और उसके बाद हम चेंज कर देंगे वॉइस ओवर। ये देखें यहाँ पर बहुत सारे वॉइस ओवर्स हैं, हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें ये भी बहुत अच्छा है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं अपने सेकंड वॉइस ओवर के लिए भी सेम ही यही सिलेक्ट कर लूँगी। इसका यहाँ पर पैराग्राफ पर क्लिक करके हमें यहाँ पर प्ले के बटन पर क्लिक कर देना है इसे जनरेट करने के लिए, ताकि वॉइस ओवर जनरेट हो जाए। हम यहाँ पर प्ले के बटन पर क्लिक करेंगे दोनों पैराग्राफ पर आकर, ताकि ये वॉइस ओवर जनरेट हो जाए। तो जैसे ही ये वॉइस ओवर जनरेट हो जाता है, हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर हम एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हम जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा और ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, स्टेप नंबर 3, क्रिएट न्यूज़ एंकर। तो न्यूज़ एंकर क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं eli.io पर आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे हम इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ट्राई eli फॉर फ्री पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। ये देखें आपको क्रिएट अकाउंट कर देना है। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपको ये सारे एंकर्स वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है जो आपको सही लगता है। मुझे ये सही लगी फ़िलहाल, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसे एडजस्ट करूँगी। ये देखें इसे हमने एडजस्ट कर देना है। सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए, तो पहले हम इस एंकर को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड कलर को ग्रीन करेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर आकर, यहाँ पर साइड पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखें यहाँ पर हम चलते हैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे इसका। ये देखें यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर ये कर दिया ग्रीन वाला, ये सही है। तो उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर टेक्स्ट हमें मैन्युअली राइट करना होगा, यहाँ पर आप पेस्ट करें भी तो पेस्ट नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट मैन्युअली राइट करना होगा, खुद ही लिखना होगा यहाँ पर। तो उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे, और अगर आपके पास वॉइस ओवर है तो आप वो वॉइस ओवर भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमें टेक्स्ट के लिए भी वॉइस ओवर चाहिए, तो हम इसे करेंगे टेक्स्ट पेस्ट यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि इसे डाउनलोड करने का। इसे डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर जो आपको ये ब्लू येलो लाइन दिख रही है, ये देखें ये येलो कलर की लाइन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे जूम इन कर देती हूँ मैं। उसके बाद चेक इन बॉक्स पर क्लिक कर देंगे।
जैसे वहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर गो टू जीमेल कर देंगे और यहाँ पर इस जीमेल पर आ जाते हैं। उसके बाद हमें उनकी जीमेल पर आ जाना है, ये इलाई जीमेल। तो उसके बाद यहाँ पर इसे वेरीफाई ईमेल कर देना है। तो जैसे ही हम वेरीफाई कर देंगे ईमेल को, उसके बाद हम वहाँ पर जाकर उसे लाइक रिफ्रेश करके यहाँ पर आ गए हैं। जैसे हमने रिफ्रेश किया, रेंडर पर क्लिक करें। जैसे आप रेंडर पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं स्टार्ट रेंडर पर क्लिक कर दें। ये देखें, अगर आपको सबटाइटल ऑन करने हो आप सबटाइटल भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद रेंडरिंग करने के बाद ये देखें, ये हो गया है। ओके, ईमेल इज़ रेडी। जैसे ये वीडियो रेडी हो जाए आपको ये ईमेल मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे डाउनलोड कर रहे हैं उस वीडियो को। जैसे ये हो जाए, लोड हो जाए पेज, ये देखें यहाँ पर हम यहाँ पर बटन पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर थ्री डॉट्स है, वहाँ पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद स्टेप नंबर 4 पर क्रिएट द मेन वीडियो। तो मेन वीडियो क्रिएट करने के लिए हम चल जाते हैं वेव डॉट वीडियो पर चल जाएंगे हम यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये देखें यहाँ पर प्लस क्रिएट के प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ये देखें यहाँ पर जैसे ही हम क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट वीडियो करना है आपको, वीडियो टेक्स्ट से लाइक क्रिएट करनी है। ये देखें हम इसे थोड़ा लाइक रिफ्रेश कर देते हैं और ये देखें यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट ऐड कर देना है। यहाँ पर टेक्स्ट हमने पेस्ट कर देना है। मैंने एक पैराग्राफ ही पेस्ट किया बिकॉज मुझे छोटी सी वीडियो चाहिए, तो इसलिए तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ओके, उसके यहाँ पर मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है। हम आपको कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें आपको जो अच्छी लगती है। तो उसके बाद टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद हम क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर देंगे और हमारी वीडियो जनरेट होकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी वीडियो रेडी हो गई है। आप इसका बैकग्राउंड कलर या आपको कुछ भी चेंजेस करें आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी साइड में, आप इसे चेंजेस कर लाइक कर सकते हैं। इसे चेंज वगैरह करके, एडिट करके, ऑडियो ऐड कर सकें। यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस की लाइक साइड पर ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। ये लाइक एडजस्ट तो होगी नहीं मोबाइल में, तो हम इसका बैकग्राउंड ही चेंज कर देंगे। ये जो लाइक ग्रे ग्रे बैकग्राउंड मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे हम चेंज कर देंगे और इसका बैकग्राउंड कुछ और कर देंगे। ये देखें यहाँ पर लाइक क्लिक कर देंगे बैकग्राउंड पर और बैकग्राउंड को ब्लैक कर देंगे। वाइट भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसे ब्लैक पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें ये ब्लैक बहुत ही लाइक डिसेंट लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो हम यहाँ पर उसके बाद ये करने के बाद हम पब्लिश करके वीडियो पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आएंगे हम रेंडर विद वाटरमार्क करेंगे और उसके बाद ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी ये वीडियो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। जैसे ये रेंडर हो जाए हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, स्टेप नंबर 5, एडिट वीडियो एंड प्रीव्यू। उसके बाद हमें यहाँ पर एडिट कर देनी है वीडियो को। यहाँ पर हम ऐड करेंगे एंकर, ऐड कर देते हैं जो कि लाइक सिमिलर ऐसे ही स्पीड में हो। ये देखिए ये एंकर है हमारी, इसे ऐड कर देते हैं और इसे कटआउट पर जाकर हमें इसका लाइक बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देना है, इस साइड पर या उस साइड पर, आपको जिस साइड पर सही लगे आप उस साइड पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर सही लग रही तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। ये देखें यहाँ पर हम इसे लाइक ऐसे भी कर सकते हैं, कटआउट करके बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ओके, ये देखें यहाँ पर सारी लाइक वॉइस ओवर सब कुछ सही है, बिल्कुल टाइम पे है। ओके, उसके जैसे ये हो जाए हम इसे क्या करेंगे, हटा देते हैं इसे। हम लाइक एडजस्ट करके यहाँ पर कुछ एनिमेशन ऐड करेंगे और फिर इसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ये देखें हमने क्या करना है, थोड़ा एनिमेशन ऐड करनी होगी। ओके, ये देखें उसके बाद एक्सपोर्ट कर लिया।
Pakistan has vehemently denounced the relentless Israeli airstrikes that have taken a tragic toll on Gaza, resulting in a loss of more than 200 Palestinian lives. In a powerful statement, Pakistani caretaker Foreign Minister Jalil Abbasi Jilani passionately decried the dire circumstances in the besieged territory, equating them to nothing short of genocide against the native inhabitants. तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।